अच्छा, आज अपन टॉपिक वाइज की श्रृंखला में आज अपन पढ़ेंगे 3D के अंदर प्लेन के अंदर क्वेश्चन कितने आते हैं। तो ओबियसली मैंने छः जो आपके 2010 से 2016 19 तक के जो पेपर देखे, छः पेपर हैं उसके अंदर करीब 18 क्वेश्चन, तो एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन के बीच में आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका एवरेज आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन और इसमें से प्लेन में से मिला के करीब 6 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, 7 क्वेश्चन, 7 तो आ ही जाते हैं, 7 8 क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन बात करते हैं प्लेन के क्वेश्चन, जो भी एग्जाम में है क्वेश्चन सोल्व करते हैं। समतल 3x+4y+5 सरल रेखा के मध्य कोण, ये प्लेन है, ये इसका दिक अनुपात और सरल रेखा, ये ठीक है, ये 90 माइनस ठीक है, ये लाइन और ये आपके दिक अनुपात होंगे इसके 3 4, क्योंकि तो प्लेन के दिक अनुपात उसके तल के लंबवत होते हैं, जो आपका एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होता है ना वो इसके दिक अनुपात होता है। तो ये आपका साइन थीटा मतलब कॉस 90 माइनस थीटा इन डॉट डी, तो 3 × 2 प्लस 4 × 0 प्लस 0 × 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट, और यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये ऊपर तो आ रहा 6, तो ये हो गया साइन थीटा, तो ये तो हो गया 6 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5। तो 5 का स्क्वायर 5, ये बच्चों इसमें क्या पूछा है इनके मध्य कोण, तो बच्चों ये आपका तो मध्य साइन थीटा कोण आपका 6√55 आ जाएगा। एक्चुअल में ये मध्य कोण की जगह साइन थीटा लिखा, साइन थीटा, ये थीटा की वैल्यू, नहीं तो थीटा की वैल्यू तो ये आएगी बच्चों साइन इनवर्स आएगी, थीटा की वैल्यू तो आएगी साइन इनवर्स 6/5√5, ये लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये एक्चुअल में कौन साइन थीटा पूछा, मध्य कौन का साइन थीटा पूछा। ये अगला क्वेश्चन, एक समतल का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 3 4 -1 से गुजरता है और इसके समांतर, तो 2x-3y+5z+λ, क्योंकि तो प्लेन के अंदर ये इसके पहले लेंथ और प्लस लैम्डा आउट जोड़ देता, अब ये क्या है इसको संतुष्ट करेगा, तो हो जाएगा 3 × 6 -4 12 -5+λ0, ये हो गया 2 3 3 6 4 12, ये होता है। तो बच्चों इसके अंदर आएगा 5 7 11, तो लैम्डा बराबर 11 = 0, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 11, तो कंसंसर क्या हो जाएगा, तो 2x-3y+5z+11, तो 2x-5y ये आ गया आपका 2x-3y+11 सही है, और ये आपका गलत हो ही गया, ये दोनों गलत हैं, ये इस लैम्डा की वैल्यू नहीं आ रहा। अगला समतल जो निर्देश अक्षों पर एबीसी पे इस प्रकार काटता है कि वो त्रिभुज एबीसी का केंद्रक एबीसी हो, तो उसका समीकरण क्या होगा, ये एक्स है, ये वाई है और जेड है, तो इसके अकॉर्डिंग α 0 0 और ये होता है
जीरो बीटा जीरो और गामा जीरो जीरो गामा हो तो समीकरण होता है x बटा अल्फा प्लस y बटा बीटा z बटा गामा बराबर होता है। अब मुझे अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, इसका तो केंद्र का है ना, केंद्र क्या होगा इसका, अल्फा प्लस जीरो बटा तीन बराबर होगा ए, और जीरो प्लस बीटा प्लस जीरो बटा तीन वो होगा आपका बी। तो इससे तो ये आ गया अल्फा बराबर आ गया थ्री ए और बीटा बराबर आ गया इससे थ्री बी और इसी तरह गामा बराबर आएगा थ्री सी। तो अगर अपन इसके अंदर रखें तो जाएगा एक्स बटा तीन ए प्लस बाई बटा तीन बी जेड बटा थ्री सी बराबर वन। अब बच्चों वन तो ऑप्शन में नहीं है, दोनों तरफ तीन से गुणा कर दो, तो तीन से गुणा करने से क्या होगा एक्स बटा टी ए वाई बटा बी जेड बटा सी बराबर टी, ये आंसर है। तो आंसर कौन सा होगा, समघात व्यापक समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड ए हो तो समतल परस्पर लंबवत होंगे, तो इसके अंदर क्या होता है जो समीकरण होता है इसके अंदर दो प्लेन के बीच में एंगल का फॉर्मूला होता है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। अगर ये दो समतलों के मध्य कोण है, दो समतलों के मध्य का कोण है, ये दो समतल के मध्य कोण का निकाल। अब ये क्या कह रहा है, लंबत है, तो लंबत में केस के बीच में क्या हो जाएगा टेन थीटा का, तो वन बाई जीरो क्योंकि 90 बिल इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 1 बाई जीरो, तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इधर जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो लंबत है ना, तो अपन 10 थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट को 1 बाई जीरो लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ये आ जाएगा, तो आंसर कौन सा देगा ये। और पैरेलल की शर्त में ये हो जाता है, पैरेलल में क्या हो जाता है, ये समांतर की शर्त है, ये समांतर की शर्त है। तो ये था आपका क्वेश्चन 2011 का। अगला है मूल बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब के पाद के निशान ये है तो समतल का समीकरण क्या होगा। तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर p, तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। अब ये क्या मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक किए हैं, तो लंब के पाद के निर्देशांक होंगे तो इसके दिक्कनपात आ जाएंगे, दिक्कनपात क्या हो जाएंगे इसके लंब के दिक्कनपात हो जाएंगे 12 माइनस जीरो माइनस चार माइनस जीरो और माइनस तीन माइनस जीरो, क्योंकि दूसरा जीरो जीरो है, तो इससे और गुणा कर दो, इसका एन कैप हो जाएगा 12i माइनस 4j माइनस 3k डिवाइडेड बाय, यूनिट वेक्टर होना चाहिए फिर, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस तीन का स्क्वायर, उसको हटा देते हैं, बारह का स्क्वायर चार माइनस कर और ये हो जाएगा माइनस तीन का स्क्वायर का रूट बराबर
और ये अवलंब दूरी होती है, ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करें, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 4y माइनस 3xyz बराबर, अच्छा ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 16 प्लस 9 169, तो 169 तो ये जाएगा 13 का स्क्वायर, क्योंकि ये रूट आएगा 113। ये आंसर है, तो आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, रेखा तो ये बी का मान है, बी वेक्टर है आपका 3i माइनस जे प्लस 2k और n कैप होगा, n वेक्टर i प्लस जे प्लस के डायरेक्टली, तो जो एंगल होगा साइन थीटा बराबर 3x, मतलब इसको सोल्व करोगे तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। तो इसके कोफिशिएंट 1 1 ही तो है, तो 3 इंटू 1 और 1 इंटू माइनस 1 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का रूट, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कोई अपन ने लगा दिया साइन थीटा बराबर बी वेक्टर एन वेक्टर अपॉन बी का परिमाण और एन का परिमाण, तो यहाँ पे एन कैप आएगा तो एन कैप का ही आ जाएगा। तो बच्चों साइन थीटा बराबर 3 और 2 5, 5 में से एक गया 4, और ये जो 2 ये हो जाएगा 3, 2 दून 4, 4 5 रूट 14 और ये 3, 4 अपॉन 14 थी 42। तो थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 बटा रूट 42। समतल में निम्नलिखित में कौन सी रेखा निहित है, देखो निहित के लिए क्या होगा, ये कोई प्लेन है और ये कोई लाइन है, तो ये बी की दिशा होती है, ये इसके एन की दिशा होती है। तो सबसे पहली वाली कंडीशन ये होती है बी डॉट एन बराबर 0, एक तो ये शर्त होती है। इससे क्या होगा, ये लाइन इस प्लेन के समांतर, और दूसरा इसका जो लाइन का कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट से पास हो रही है
ये लाइन जिससे पास हो रही है वो इस प्लेन पे अगर आ गया तो हो जाएगा। तो पहले तो ये कंडीशन चेक करो, तो देखते हैं। तो ये आपका एन और ये बी, तो ऑप्शन फर्स्ट तो जगह दो आई डॉट आई टू माइनस टू और के माइनस फोर जीरो, ये हुआ नहीं। ऑप्शन सेकंड रखो, टू प्लस टू माइनस फोर, ये हो जाएगा टू और टू माइनस फोर, तो ये सही है। तो इसका मतलब ये भी सही हो गया और आपका ये भी सही हो गया, जो ये तो गलत हो जाएगा। अगला ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टू आएगा माइनस टू जीरो हो जाएगा, ये नहीं आएगा माइनस चार आएगा। तो इन दो में से अब देखो इसके अंदर दो पॉइंट है। अब अपन को क्या करना, ये पॉइंट है ना इस प्लेन पे, तो ये प्लेन भी इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो आई आर की जगह इसको आई प्लस जे रखें, आई जे से पास है तो आई जे, क्योंकि प्लेन पे अगर कोई पॉइंट होगा, ये लाइन पे अगर पॉइंट है, अगर वो प्लेन पे स्थित है तो वो पॉइंट प्लेन पे आएगा। तो उसको देखते हैं, आई प्लस जे में रखे हैं, तो आई प्लस जे डॉट आई प्लस टू जे माइनस के, तो कितना आ जाएगा, ये वन हो गया प्लस टू हो गया बराबर तीन आ रहा, तीन आ। अच्छा दूसरा देखते हैं, जे और के को रखे हैं, तो जे से रहे तो दो आएगा और माइनस आएगा, तो गलत हो जाएगा। जे से थे दो और ये तो आंसर आ जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये चेक करनी है, और साथ साथ वो जो लाइन का जो पॉइंट है वो पॉइंट को अगर प्लेन पे संतुष्ट हो जाता है तो वो आंसर आ जाएगा। अगर ये संतुष्ट नहीं होता ना तो फिर समांतर बोलते हो, लेकिन अपने कंडीशन है रेखा निहित, तो रेखा निहित में क्या होगा, ये पॉइंट भी आपका ये पॉइंट ये इसको संतुष्ट करना चाहिए। x माइनस वन बाई टू वाई माइनस टू, ये और ये समतल परस्पर लंबवत हैं। तो समांतर है, तो पहले तो इसका साइन थीटा देखो, साइन थीटा बराबर दो तीन माइनस छ इंटू दो प्लस तीन इंटू दो, तीन इंटू दो ये जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया थीटा बराबर जीरो हो गया इनलाइनली। ये एक्चुअल में डायग्राम जो है ये है, ये थीटा है, ये लाइन है और ये है, ये भी व्यक्त है। तो ये आपका लाइन और प्लेन के बीच में एंगल आ गया, तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल है तो ये समांतर हुआ, तो परस्पर लंबवत है, गलत है। रेखा समतल पर स्थित है, अब से रेखा के लिए क्या करो, ये पॉइंट है ना, इसमें जो पॉइंट है किससे पास हो रही है, एक 21 और माइनस एक से पास हो रही है, ये लाइन 21 जो इसको संतुष्ट कर रहा नहीं कर रहा ये वो देख लेते हैं। तो ये होगा तीन इंटू एक दो इंटू 21 प्लस टू इंटू माइनस वन, ये नॉट इक्वल टू 19 आएगा, तो ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब है ये समांतर तो है थीटा, इसका मतलब तो बी और ये एक्चुअली जो थीटा होता है ये प्लेन और लाइन के बीच में एंगल होता है, तो ये समांतर हो जाएगा, परस्पर समांतर है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसका पॉइंट सरल रेखा का जो पॉइंट है वो प्लेन को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगर प्लेन को संतुष्ट कर जाता तो वो लाइन समांतर के साथ उस पर टच होती हुई जाती। ये एक्स एक्स के समांतर समतल का समीकरण क्या होता है, एक्स एक्स के समांतर में क्या होता है, जैसे क्या होता है कि एक्स एक्स के समांतर होगा ना, तो एक्स एक्स पे काटा गया का अंतःकरण एक्स बटा अनंत होता है, इस तरह होता है एक्स बटा अनंत वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी,
बराबर इस फॉर्म में होता है, क्योंकि एक्स एक्स से समानता है तो एक्स एक्स को काटेगा ही नहीं, तो ये एक्चुअल में जीरो हो जाता है, इसका एक्स्ट्रा नहीं मिलता। अब इसमें देखो तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये हो जाएगा सिर्फ खत्म, क्योंकि इसमें ये मिलता ही नहीं। तो जब भी एक्स एक्स से समांतर होगा तो एक्स उस समीकरण में नहीं मिलेगा, और वाई एक्स से समांतर वाई नहीं मिलेगा, तो ये अनंत हो जीरो हो जाता है, तो ये इस फॉर्म में आ जाती है। और वाई एक्स से समांतर है तो प्लेन उसको वाई एक्स अनंत पे काटेगा, तो ये अनंत यहाँ पे आ जाएगा, और जेड एक्स को काटेगा तो ये जेड अनंत है, तो लेकिन यहाँ पे अनंत तो ये जीरो हो जाएगा इस फॉर्म में। 1-2, 4 और 3-4, 2 से गुजरने वाले तथा वाई जेड तल के लंबवत समतल का समीकरण क्या होगा? तो बच्चों वाई जेड तल के लंबवत का मतलब ये हो गया, वाई और जेड तल के लंबवत का मतलब एक्स एक्स से समांतर, एक्स एक्स के समांतर एक्स एक्स से समांतर। अब एक्स एक्स से समांतर तो एक्स कोएफिशिएंट तो आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये हो गया, एक यही है। बाकी आप इसमें पॉइंट भी देख लो, वैल्यू रख के देख लो आप, ये आ रहा है वाई 1-2 और 4 रखने पर y का मान -2+2, z की जगह 4-6 जीरो आ रहा है। और दूसरा पॉइंट है 3-4 और 5, ये रख दें तो आएगा y की जगह -4+2 और z की जगह 5-6 ये जीरो आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट इसको संतुष्ट भी कर रहे हैं, और बाकी 2-3 तो वैसे गलत है, ये आंसर था। एग्जाम में आपको ये चेक नहीं करना, जब 3 गलत हो जाए तो आप डायरेक्ट रख देना, तो ये आंसर है। संयुक्त समीकरण 6x² + अब देखो ये लंबा था, अभी बताया था a+b+c इसके अंदर जीरो है, 6+4-10, तो ये क्या है, दोनों प्लेन क्या है, मध्यकोण पिवट। अभी इससे पहले थ्योरी आई थी उनको बताया था। अब ये x+1 तो साइन थीटा बराबर 1 × 2 × -1+2√λ डिवाइडेड बाय 1² + 2² + 2² √, और 2² + -1² + λ, तो √λ है ना, √λ² ही देगा, और ये देखा 1/3, और तो ये हो गया 2 से 2 कट गया, ये 2 ये आ गया, और ये हो जाएगा 2×9, 2×4 = 8, 3, और ये हो जाएगा आपका √5+λ। तीन से तीन काट दो, इसको √5+λ बराबर 2√, तो गलती करिए कहीं ना कहीं, तो आंसर में नहीं आ रही है। स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 5+λ = 4λ स्क्वायर करा, तो 3λ = 5, तो λ = 5/3। अगला, xy समतल के समांतर होगी,
अब देखो बच्चों, ये होता है कॉस एल्फा, ये कॉस बीटा, ये कॉस गामा, मतलब एक्स एक्स वाई के तल के समांतर का मतलब है जेड एक्स से बना एंगल कॉस गामा बराबर जीरो। भाई जेड एक्स से बना एंगल कितना होगा? तो गामा तो जीरो, तो यही एन होता है। तो गामा कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। तो एन बार जीरो हो गया। सोचो ये कॉस अल्फा होता है, ये कॉस बीटा होता है, ये कॉस गामा होता है, ये एक्स एक्स से बना एंगल का कॉस अल्फा, ये वाई एक्स से बना एंगल का कॉस बीटा, और ये जेड एक्स से बना एंगल का कॉस गामा। ये था एन बराबर जीरो हो जाएगा। वो समतल का समीकरण जो बिंदु 2, 3, 4 से गुजरता है तथा समतल 6 के समांतर है, तो ये पहले भी आ चुका है, वो ये 5x - 6y + 7z + λ = 0। तो किससे पास हो रहा? 2, 3, 5, तो ये हो जाएगा 10 - 3×18 + 7×28 + λ = 0। तो लेमडा कितना हो जाएगा? ये हो गया 38, 10 + 10, तो लेमडा बराबर -20, क्योंकि 10 आएगा, तो लेमडा बराबर -20। देख लो 5x - 6y + 7z - 20। वो समतल किसी एक समतल किसी स्थिर बिंदु ए बी से गुजरता है तथा मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के लंबात अनुपात। तो बच्चों क्या है इसके अंदर कि माना दिक अनुपात समतल के ए बी सी है, तो सम ए बी सी, तो समतल का समीकरण क्या होगा? समतल का समीकरण क्या होगा? ए एक्स माइनस ए प्लस बी वाई माइनस बी सी जेड माइनस सी बराबर जीरो। अच्छा, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के लंब का बिंदु पर, अच्छा अच्छा मूल बिंदु से गुजरने वाली ठीक है, और समतल के लंबवत क्योंकि मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली वे समतल के लंबवत रेखा का जो समीकरण होगा तो समतल के लंबवत दिक अनुपात ए बी सी है तो वो लाइन के दिक अनुपात बन जाएंगे, तो हो जाएगा एक्स माइनस जीरो बटा ए वाई माइनस जीरो बटा बी जेड माइनस जीरो बटा सी। तो इन दोनों की सहायता से अपन ए बी सी एलिमिनेट करेंगे, ए बी सी को हटाना, तो क्या करते हैं इसको आप के लिख लो, तो ये लिख सकते हैं ए बराबर हो गया के, और बी को इधर भेज दो, के को नीचे ले आओ, ये आप बराबर के लिख दिया वाई बटा के, और तीसरा है C बराबर जेड बटा के, वन में रख दो तो क्या हो जाएगा X X बटा के
एक्स माइनस ए वाई बट्टा के वाई माइनस बी और सी की जगह जेड बट्टा के जेड माइनस सी बराबर। तो बच्चों इसको हो जाएगा, इसको के को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई बी और जेड स्क्वायर माइनस जेड सी बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड ये आपका समीकरण आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ये आ थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फोर जेड बराबर जीरो के सापेक्ष के प्रतिबिंब के निशंक। तो बच्चों क्या होगा, अगर ये आपका प्लेन है थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फोर जेड ठीक है, और ये पॉइंट आपका एक दो और माइनस एक और ये पॉइंट ये। अब ये क्या है कि अगर अपन ऑप्शन ये रख रहे हैं ये रख रहे हैं तो इसके दिक्कनपात इसके प्रोपोर्शन होने चाहिए, मतलब इनका जो दिक्कनपात आएंगे वो तीन माइनस पाँच चार के रेशियो में होना चाहिए, क्योंकि ये इसका भी दिक्कनपात यही है, इसके दिक्कनपात क्या है तीन माइनस पाँच और चार। तो बिंब और प्रतिबिंब को मिलाने वाली लाइन की दिक्कनपात समानुपाती होने चाहिए समतल के दिक्कनपात के, क्योंकि ये समतल के दिक्कनपात इसके लंबवत होते हैं ये होगा। तो सबसे पहले अपन घटाते हैं, देखो एक को लेते हैं ऑप्शन से, इसको इससे लेते हैं तो एक माइनस एक तो दो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तो एक माइनस एक दो और दो माइनस दो एक माइनस एक दो दो माइनस चार और माइनस एक माइनस दो क्या करा एक माइनस माइनस एक दो माइनस माइनस दो ऐसे करा विचार आएगा सॉरी एक माइनस माइनस एक दो दो माइनस दो चार और माइनस एक दो तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। दूसरा जीरो 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 भी रखे ना तो ये गलत है, जीरो जीरो से क्या हो घटाओगे तो दिक्कनपात आएंगे एक एक माइनस जीरो और दो माइनस जीरो और माइनस एक माइनस जीरो तो ये भी आपका गलत हो गया, एक दो और माइनस एक तो ये भी गलत हो गया। तीसरा तिहत्तर में से घटा लो उसको, तिहत्तर माइनस तीस और उनतालीस तो तिहत्तर माइनस एक और माइनस तीस माइनस दो और उनतालीस माइनस एक तो ये आ रहा आपका बहत्तर और ये हो रहा माइनस चालीस और नहीं माइनस बत्तीस बत्तीस और ये आ रहा चालीस। अब इसको अपन आठ से काट लें तो आठ नौ बहत्तर नौ आठ चौक बत्तीस और पाँच तो ये भी आपका नहीं आएगा, क्योंकि रेशियो आपका क्या होना चाहिए तीन माइनस पाँच चार, क्योंकि इसको बराबर आएगा नहीं है, क्योंकि इसको तीन करने की कोशिश करेंगे तीन से काटेंगे तो पाँच नहीं आएगा तो ये भी गलत होगा। अब चौथा देखते हैं सर, तो चौथा है तिहत्तर माइनस पच्चीस सीधे ले लो तिहत्तर माइनस पच्चीस माइनस एक
माइनस तीस बटा पच्चीस माइनस, भाई तीन तो गलत हो गया आपके, माइनस तीस बटा पच्चीस माइनस दो, और उनतालीस बटा पच्चीस माइनस माइनस एक, तो तिहत्तर माइनस पच्चीस बटा पच्चीस, और माइनस तीस माइनस पचास बटा पच्चीस, और उनतालीस प्लस पच्चीस बटा पच्चीस, तो ये काट दो इनको अनुपात, ये तो तिहत्तर में से पच्चीस गए, ये तो माइनस अस्सी हो गया, और ये आपका उनतालीस और पच्चीस चौंसठ हो गया, और ये हो जाएगा तिहत्तर में से तेरह, तेरह में से पाँच गए आठ, और ये हो जाएगा आपका छः अड़तालीस। अब इसको अपन आठ से काट लें या सोलह से काट लो, सोलह का भाग दे दो, तो तीन माइनस पाँच और चार, तो ये चौथा ऑप्शन जो आ रहा है ना, चौथा ऑप्शन से इसके अगर अपन इसके दिक्कनपात निकाल रहे हैं उनका, ये तीन माइनस पाँच चार आ रहा है, क्योंकि इसको सोलह को भाग दे तो तीन में सोलह का भाग लग रहा है, तो ये दिक्कनपात समतल के दिक्कनपात के समानुपाती आ रहा है, तो तीन माइनस पाँच, और ऑप्शन क्या जाएगा उत्तर ये आएगा भाई, ऑप्शन से क्या ये रेखा है और वो समतल के मध्य कोण, वही सिंपल, तो साइन थीटा बराबर तो टू इंटू ये आपका बी हो गया, ये आपका एन हो गया, तो टू इंटू टू वन, और वन ओके, थ्री इंटू माइनस वन, और ये प्लस लिख के माइनस लिख, तो दोनों चार माइनस एक माइनस तीन बराबर जीरो, तो समतल और इसके मध्य थीटा जीरो है, ये चेक ही नहीं किया, ये जीरो रहा ना, तो जीरो देगा जीरो, क्योंकि ये जो प्लेन होता है ना वो इसके बीच में एंगल होता है, ये थीटा इस प्लेन और इसके बीच में बताता है, ये 90 माइनस थीटा होता है, ये थीटा इसके बीच में, तो थीटा जीरो आएगा। तो बच्चों इसके अंदर अपने टोटल आपके 17 क्वेश्चन हैं, और एवरेज 6 साल के पेपर है, तो तीन क्वेश्चन इसमें से आता है, और चार क्वेश्चन 3D स्टेट लाइन में से आता है, और ये तीन क्वेश्चन प्लेन में से, तो मैंने ये देखा कि वो इसके अंदर आपका सात क्वेश्चन आपके बन रहे हैं 3D स्टेट लाइन और प्लेन में से, सात क्वेश्चन एवरेज आपका बन रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सात क्वेश्चन, और सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है ये, तो बच्चों ये मैंने करा है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, दूसरों दोस्तों को बताएं, जिससे मैं और नई वीडियो बनाऊँ आपके लिए, शेयर करें, और आज के लिए इतना ही लेते हैं, ठीक है, और बिल्कुल टेंशन नहीं करें, इन पेपर को निकालने से आपको ये पता लग जाएगा कि किस पेपर पर किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा ज़्यादा आती पूछती है, सिंपल है, और ये भी लग जाएगा कि ये इसका कितना अपन कर पाते नहीं पाते, कितना ये हल्के ही पूछता है, ज़्यादा टफ नहीं, डेप्थ में नहीं पूछता, हल्के हल्के डेफिनेशन पे सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप तैयारी करें, ढंग से करें, थैंक यू।